हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 907। स्टॉक जो है लगभग आज 1.5% अप है। इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 1165 है और इसका 52 वीक लो 820 है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम स्टॉक के और भी बहुत सारे डिटेल चेक करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप ये टेक्निकल चार्ट देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लेवल का हाई लगाने के बाद में हमें इसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने को मिल चुकी है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था, स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम इस लेवल पर भी सपोर्ट ले चुका था, लेकिन ये जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है तो इसमें हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अभी स्टॉक जो है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 870 का इसमें बहुत ही मेजर सपोर्ट है। स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो इसके चलते ये रेजिस्टेंस लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्विंग ट्रेड के लिए लेवल्स कैसे निकाला जाता है। अभी स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। अगर आप यहाँ से बाइंग साइड प्लान करते हो तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हो, और हमारे फर्स्ट टारगेट की बात की जाए तो 1000 का इसमें फर्स्ट टारगेट इसमें सेट कर सकते हो, और सेकेंड टारगेट की बात की जाए तो 1140 का सेकेंड टारगेट इसमें आप सेट कर सकते हो। तो इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में हमें इसमें अच्छी ऊपर की साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी जो है निफ्टी में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो हमें इसमें अगेन बाइंग साइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं NSE वेबसाइट पर और चेक करते हैं वहां से इसमें सिक्योरिटी वाइज रिप्यूशन क्या ली जा रही है। अब हम आ चुके हैं NSE वेबसाइट पर। सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आपको नीचे साइड कंपनी का नाम शो करेगा और उसके नीचे इसकी करंट प्राइस भी शो करेगी। अब हम यहाँ से चेक करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या ली जा रही है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हो चुकी है वो 8,37,000 टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हो चुकी है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात की जाए तो 5,41,000 इसमें डिलीवरी ली जा चुकी है, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 64.67% इसमें डिलीवरी ली जा चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी डिलीवरी हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं टिकर टाइप वेबसाइट पर और चेक करते हैं वहाँ से ओवरव्यू फोरकास्ट और एनालिस्ट हमें क्या सलाह दे रहे हैं बाइंग की। अब हम आ चुके हैं टिकर टाइप वेबसाइट पर। सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आपको लेफ्ट साइड कंपनी का नाम शो करेगा और उसके नीचे करंट प्राइस भी शो करेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हो, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका ये मतलब है, इसी करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात की जाए तो बैंक एफडी रेट से भी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न हमें इसमें जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। डिविडेंड का इसमें यहां पे इनसफिशिएंट डाटा शो कर रहा है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहां से बाय कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है, नो रेड फ्लैग शो कर रहा है। जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो नो रेड फ्लैग देख के आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड क्या शो कर रहा है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, लास्ट 4 ईयर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है, 2018 से लेकर 2021 तक का। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली हमें इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। 2020 के मुताबिक 2021 में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है, तो अगर इसमें हमें कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो स्टॉक में अगेन हमें बाउंस बैक ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं फोरकास्ट एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, 19 एनालिस्ट जो है हमें 89% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छी सलाह हम यहां से कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में हमें इसमें अपसाइड टारगेट्स अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब भी कोई भी स्टॉक में बाय करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस याद रख के आपको स्टॉक को होल्ड करना होता है, उसको बाय करना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।